हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 क्लास 10th का कवर करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया था और एलिमिनेशन मेथड पे जो ये बेस्ड एक्सरसाइज है, आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, वो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। सो देखो, एक्सरसाइज 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो, मेरे पास क्या है सॉल्व करना है मुझे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। सो देखो, पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास क्या है, पहली इक्वेशन है। इस तरीके से मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। अब मैं एक कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं, सिंपल सी चीज, आपको पता भी है वो। अब देखो, एक है मेरे पास माइनस 1, एक है मेरे पास प्लस 1। इन दोनों को मेरे को जीरो बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, एड करूंगा। मैं क्या करूंगा, सिंपली एड कर दूंगा। और अगर मेरे पास दोनों क्या है, माइनस 1 है माइनस 1 है, इन दोनों को मुझे जीरो बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास क्या होगा, मेरे क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, उसकी वजह से मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो यहां से भी ये जीरो बनेगा ऐड करने से, और ये सब्ट्रैक्ट करने से जीरो बन जाएगा। इसी तरीके से सिंपल सी अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं, सेम साइन जो है मेरे पास, सेम साइन वाले होंगे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम साइन को मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। और जो मेरे अपोजिट साइन होते हैं, अपोजिट साइन अगर मेरे पास होंगे वेरिएबल में जिनकी वैल्यूज क्या है, सेम है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा जीरो बनाने के लिए। बस इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना, तो आपके क्वेश्चन ना बहुत इजीली हो जाएंगे। अब देखो, मेरे पास जो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये तो वैल्यूज सेम करनी है, वेरिएबल सेम करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2x बनाना पड़ेगा। अगर मैंने को क्या करना है, x वेरिएबल को खत्म करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड बाय 1, क्योंकि सेकंड के अंदर मुझे कोई चेंज नहीं करना है, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी। तो देखो, मेरी क्या इक्वेशन बन जाएगी, पहली इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये मेरा आ गया फर्स्ट। इसको मैं आप क्या लिख सकता हूं, थर्ड इक्वेशन में लिख दिया मैंने, लेट सपोज। अब ऐसे ही मेरी फोर्थ इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये आगे मेरी फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर ध्यान से देखो, मुझे x वेरिएबल को क्या करना है, खत्म करना है, कैंसिल आउट करना है। और दोनों क्या है, सेम साइन वाली है ना, सेम साइन में मैंने आपको क्या बताया, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि मैं थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करूंगा। और जब मैं थर्ड इक्वेशन के अंदर से फोर्थ इक्वेशन को माइनस करूंगा, तो नीचे वाली इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, साइन बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, 2x मेरा हो जाएगा माइनस का, 3y मेरा हो जाएगा पॉजिटिव का, और 4 हो जाएगा मेरा माइनस का। तो ध्यान से देखो, प्लस माइनस ये हो गए मेरे कैंसिल आउट। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 5y। 5y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 10 माइनस 4 क्या आ गया, 6। तो y की वैल्यू मेरे पास यहां पे क्या आ गई, 6 अपॉन 5 आ गई। यहां से मेरी y की वैल्यू आ गई निकल करके, क्या आ गई, 6 अपॉन 5 आ गई। और अब मैं इस y की वैल्यू क्या करता हूं, फर्स्ट के अंदर पुट कर देता हूं। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, वाई क्या था मेरा, 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। एक्स क्या हो जाएगा मेरा, 5 माइनस 6 अपॉन 5। यहां पे मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, 5 आया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 25 माइनस 6, यानी कि 19 अपॉन 5 आ गया मेरे पास x की वैल्यू। तो यहां पे मैं x की वैल्यू लिख देता हूं, x की वैल्यू आ गई मेरी 19 अपॉन 5, और y की वैल्यू क्या आएगी मेरी, 6 अपॉन 5। और इसके साथ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब मैं सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखता हूं। अब देखो, इसका जो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट के अंदर क्या इक्वेशन है हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये मेरी होगी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है, ये मेरी होगी सेकंड इक्वेशन। अब मैंने क्या करा है, देखो इस बार मैं क्या करता हूं, y को सेम बनाता हूं। अब y को देखो, ये क्या है मेरा, वह 4 है, और ये मेरे पास क्या है, 2 है। सो मैंने क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली जो सेकंड इक्वेशन है मेरे पास, इसमें 2 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 2 एंड फर्स्ट बाय 1। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 बन गया। इसी तरीके से ये हो जाएगी मेरी, 2 से मल्टीप्लाई हुई है ना, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4।
ये मैंने अब थर्ड इक्वेशन लिख लिया और ये मैंने लिख लिया फोर्थ। अब ध्यान से देखो, ये 4y है और ये भी 4y है, लेकिन ये क्या है, साइंस क्या है, अपोजिट है। तो मैंने क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है, और जब मैं ऐड करूंगा तो किसी के साइन चेंज होंगे नहीं होंगे, तो ये मेरी टर्म हो गई कैंसिल आउट। यहां से मेरे पास क्या आ गया, 7x आ गया, और ये मेरे पास आ गया 14। सो यहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 14/7। यहां से मेरा आ गया x की वैल्यू क्या आ गई, मेरी 2 आ गई। और अब इस वैल्यू को मैं कहां पुट कर दूंगा, मैं किसी भी ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर सकता हूं इसको। तो देखो क्या हो जाएगा मेरा, 3 × 2 + 4y = 10। ये मैंने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। यहां पे मैं लिख भी सकता हूं इसको, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट। तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 + 4y = 10 आ गया। सो 4y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर जाके क्या हो जाएगा, 10 - 6 क्या होता है मेरा 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/4। यहां से मेरा कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो मेरे दोनों वेरिएबल सॉल्व हो गए, x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई और y की वैल्यू मेरे पास आ गई क्या, 1 आ गई। इसके साथ मेरा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब मैं देखो थर्ड पार्ट देखता हूं इसका। अब देखो इसके थर्ड पार्ट के देखो हमारे पास क्या इक्वेशंस दे रखी है। सबसे पहली इक्वेशन है मेरे पास 3x - 5y - 4 = 0। अब इसको मैं किस तरीके से अरेंज कर सकता हूं, मैंने क्या करना है, जो मेरा कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसको मैं राइट साइड में पहुंचा देता हूं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3x - 5y = 4। ये मैंने क्या कर लिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया। इसी तरीके से देखो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 9x = 2y + 7। तो इसको भी मैं रीअरेंज कर लेता हूं, क्या हो जाएगा मेरा, 9x - 2y = 7। ये मेरी आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो मेरे पास क्या है, यहां पे है मेरे पास 3x और यहां पे है मेरा 9x। तो मेरे को उसको 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन को, यानी कि मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3 एंड सेकंड बाय 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन मेरी तैयार होकर क्या आ जाएगी, 9x - 15y = 12। ये मेरे पास क्या आएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरीके से ये देखो क्या है, नीचे वाली टर्म एज इट इज रहेगी, नीचे वाली इक्वेशन जो मेरी थी, सो ये मेरी क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। ये मैंने अब क्या करा, थर्ड इक्वेशन मान लिया और ये मैंने मान लिया फोर्थ इक्वेशन। अब देखो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन के अंदर क्या होगा, ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, लेकिन साइन क्या है इनका, सेम है। साइन सेम होना है तो बस क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये मेरी टर्म हो गई कैंसिल आउट और यहां से देखो क्या आएगा, -15 और प्लस का हो गया 2, तो ये आएगा -13y। और इधर से क्या आएगा, 12 - ये आ गया मेरे पास 5, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास -5/13। ये मेरे पास आ गया y। अब इस y की वैल्यू को आप कहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो। सो मैं क्या लिख दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, 3x - 5 × -5/13 = 4। और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी, x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो 3x ये क्या हो जाएगा मेरा, +25/13 = 4। अब देखो मैंने क्या किया, 3x उधर ही रोड़ा और 4 माइनस क्या हो जाएगा, ये 25 - 13 हो जाएगा, उस साइड से इधर आया तो नेगेटिव हो गया। अब देखो 3x = क्या हो गया मेरा, 13 तो मेरा आ गया एलसीएम, और इसी तरह से ये हो जाएगा मेरा 52, क्योंकि 13 × 4 क्या हो जाएगा, 52 - 25। यहां से 3x = क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरी टर्म हो जाएगी 27/13। सो यहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 27/3 × 13, और ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 9 आ गया। सो यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 9/13 आ गई। और मेरा y पहले ही सॉल्व आउट हो गया था, y की वैल्यू क्या थी मेरी, y की वैल्यू है मेरी -5/13। ये मेरी क्या आ गई, y वेरिएबल की वैल्यू आ गई, और ये मेरा पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मेरा इसका क्या बताया, एक लास्ट पार्ट बताया, फोर्थ पार्ट। अब ध्यान से देखो मेरा फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में मेरी पहली इक्वेशन क्या है, x/2 + 2y/3 = -1। अब मैं इसको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा सबसे पहले। तो मेरे क्या करना है, एलसीएम ले लेना, ये एलसीएम आ गया 6। सो यहां से मेरे पास आ गया 3x, ये मेरा पास हो गया 4y = -1। यहां से मेरी फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x + 4y = ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -6। ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही देखो सेकंड इक्वेशन है, उसको भी मैंने क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो मेरे को क्या गिवन है, x माइनस
वाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, थ्री गिवन है। इसका भी यहां पे भी क्या करूंगा मैं, एलसीएम लूंगा थ्री, ये मेरा हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री हो गया मेरे पास। और यहां से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये मेरा बन जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन। ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के अंदर देखो थ्री एक्स है, इसमें भी क्या है थ्री एक्स है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये वाली फर्स्ट इक्वेशन को ना मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स। ये मेरी सेकंड है, सेकंड इक्वेशन है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन है। इसको मैंने क्या करा, दोबारा कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स भी सेम है और कोफिशियंट भी सेम है, और साइन क्या है सेम है, साइन सेम है, तो मैं क्या करूंगा इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करने से मेरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे नीचे वाले उसके क्या हो जाएंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैं इसके साइंस को क्या कर देता हूँ, अपोजिट कर देता हूँ। तो ये वाली टर्म मेरी हो गई कैंसिल आउट। और यहां से देखो क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास माइनस फाइव वाई, ये क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस फाइव वाई। और इधर मेरे पास क्या आ गया, पॉजिटिव और पॉजिटिव हो गया ना, ये हो गया मेरे पास फिफ्टीन। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास यहां से 15 माइनस 15 अपॉन 5, और जब मेरी कैंसिल आउट हुई तो मेरे पास आ गया माइनस 3। सो यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ गई माइनस 3, मेरी y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3। और अब मैं इस y की वैल्यू को कहां पुट कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा, तो मेरे क्या है थ्री एक्स एज इट इज, फोर इंटू वाई क्या हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। तो थ्री एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6, और 3x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस 6 प्लस 12। तो यहां से 3x क्या आएगा मेरे पास 6 आ गया, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे 6 अपॉन 3, यानी कि कैंसिल आउट होकर क्या आ गई 2 आ गई। तो यहां से मेरे पास x वेरिएबल की वैल्यू पे आ गई, वो आ गई मेरी 2। मेरे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू सोल्व हो गई, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, वो पांचों पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा।